बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी नक्स भूमिका की। नक्स भूमिका पॉलीक्रिस्ट की भी पॉलीक्रिस्ट है, यानी यूं समझ लीजिए कि नक्स भूमिका जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें सबसे ज्यादा यूज की जाती है। नक्स भूमिका के बारे में यह धारणा है कि बिना नक्स भूमिका के कोई डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, न तो कोई मेडिकल स्टोर चल सकता है। यानी यूं समझ लीजिए कि नक्स भूमिका सबसे बेहतरीन मेडिसिन में से टॉप ग्रेड की है। बड़ी सी मेडिसिन है, पूरे सिम्टम्स को यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, बस इतना समझ रहे हैं कि नक्स भूमिका पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, कैसे पता चल सके कि इसी को नक्स भूमिका देना है। इस वीडियो में यही समझते हैं। तो देखिए, जो नक्स भूमिका है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आएगा कि बिटर टेस्ट का मटेरियल है, यानी काफी कड़वा होता है। तो काफी कड़वा सीड है इसका, यानी इसके जो सीड है काफी कड़वा है। और इस कड़वे सीड के, यानी बिटर टेस्ट सीड होने की वजह से क्या है कि इसके लिए रिस्पांसिबल कौन सा है, दो केमिकल, एक ब्रूसिया और दूसरा स्ट्राइकिनिया। ये दो केमिकल इसके सीड को कड़वा बना देते हैं। अब हम लोगों को समझना इस तरह से है कि इसका सीड कड़वा है तो इसका जो पेशेंट है वो भी कड़वा ही है। ये भी इसका नेचर क्या है, कड़वाहट भरा है। तो अब आप समझते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो यूं समझिए कि पौधे के अंदर जो बिटरनेस है, जो कड़वापन है, उससे एक आदमी के अंदर जो कड़वापन है, जो जेलस नेचर है, जो आउट ऑफ ट्यून रहता है हमेशा, उसको ठीक करने में यूज किया जाता है। तो जैसा लोहे लोहे को काटता है उसी तरीके से यहां पर समझिए कि सीड कड़वा है, इसका पर्सन भी कड़वाहट भरा हुआ है, जेलस नेचर है इसका, यानी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं रहता, कुछ न कुछ कमी निकाल देता है, यानी कमी ढूंढते रहना, ऑलवेज इरिटेबल। अब आप कमी ढूंढ रहे हैं तो किसी न किसी में दिख ही जाएगा, तो हमेशा इरिटेट रहता है। पहला सिम्टम सही है कि ऑलवेज आउट ऑफ ट्यून, यानी कभी ट्यून में नहीं रहता, किसी के भी ट्यून में नहीं रहता, न बच्चों के ट्यून में, अगर फादर है तो बच्चों और वाइफ के ट्यून में नहीं रहता, और अगर बच्चा है तो फादर मदर के ट्यून में नहीं रहता। यानी यूं समझिए कि ऑलवेज आउट ऑफ ट्यून, इरिटेबल, जेलस नेचर है इसका। और वांट टू स्लीप लेट इन मॉर्निंग, सुबह देर तक सोना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रात भर मोबाइल चलाते हैं 12-2 बजे तक, उनके लिए नहीं है। ये ट्राई कोशिश करता है पहले से सोने का, 10-11 बजे से ही ट्राई करता है, लेकिन नींद ठीक नहीं आती है, यानी क्वालिटी नींद नहीं आती है। क्वालिटी नींद इसको लेट में आती है, 6-7 बजे के बाद 8 बजे तक लेट उठना चाहता है। तो वांट टू बी स्लीप लेट इन मॉर्निंग, और खास बात, जब इसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, कोई जगाए ना, तो इसको कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर कोई जगा देता है तो यूं समझिए कि पूरे दिन भर ये आउट ऑफ ट्यून रहेगा, इरिटेट रहेगा। तो वांट टू स्लीप लेट इन मॉर्निंग आफ्टर अनडिस्टर्ब स्लीप, यानी इसकी समस्याएं कम हो जाती हैं जब इसको नींद अच्छे से आ जाती है, और व्हेन स्लीप डिस्टर्ब एग्रेवेट कर जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं जब नींद किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो लेट में सोना चाहना, हमेशा इरिटेबल रहना, आउट ऑफ ट्यून, लोगों में कमियां ढूंढते रहना, कुछ कमी नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे मान लीजिए एक अच्छी सी कार है, उसमें कुछ भी कमी नहीं ढूंढ पाएगा, तब एक कमी तो ढूंढ ही लेगा, अच्छा इसका कलर थोड़ा सा ऐसे होता था और अच्छा होता। यानी यूं समझिए कि हर तरह से असंतुष्ट। और चिलीनेस कैन नॉट गेट वार्म इन बेड, चिली नेचर है इसका, और बिस्तर में जब जाता है तो बिस्तर इसका गर्म ही नहीं होता, ठंडी के दिनों में बिस्तर इसका गर्म ही नहीं होता, रजाई ओढ़ लेता है लेकिन फिर भी इसको ठंड लगी रहती है। और हाइपोकॉन्ड्रियक नेचर है इसका, अपने स्वास्थ्य के प्रति एकदम संवेदनशील है, एकदम सोचता रहता है कि ऐसा हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, अपने लिए उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है बीमारी के प्रति। और इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है, कारण क्या है, सेडेंटरी लाइफ है, यानी फिजिकल वर्क इसका बहुत कम है लेकिन मेंटल वर्क ज्यादा है, मच मेंटल एक्सर्शन, अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत रहने वाला। और इस हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर कई लोगों में पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से जोड़ देंगे कि जेलस पर्सन है, स्लीप लेट तक जाना चाहता है,
और सेडेंटरी लाइफ मींस ऑफिस में काम करता है, बाहर बहुत कम जाता है, यानी फिजिकल एक्सर्सन नहीं करता है, जबकि मेंटल एक्सर्सन इसका काफ़ी ज़्यादा है। ऑफिस में काम करता है, मेंटल वर्क है इसका, लेकिन फिजिकल वर्क नहीं है, और हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर है, और उसके साथ साथ ट्रबल विथ इंडाइजेशन, पाचन खराब है ना, खराब पाचन, और वेनस कॉन्स्टिट्यूशन विथ हेमराइडल टेंडेंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इसका वेनस कॉन्स्टिट्यूशन जो वेन्स है उसमें दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, और वही बाद में किस में कन्वर्ट हो सकती है, हेमराइडल में टेंडेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से नेक्सगोमिका का स्पेक्ट्रम है, सिम्टम्स ढेर सारे हैं, खाने के एक घंटे बाद पेट में कैसे लगता है, जैसे पत्थर सा है, तुरंत अगर लग जाता है तो एविस निक्रा, एक घंटे बाद लगता है तो नेक्सगोमिका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और 3 बजे इसकी नींद खुल जाती है, 3 बजे के आसपास अनकंफर्टेबल महसूस करता है सुबह 3 AM पर, और इसकी नींद खुल जाती है, इसी वजह से लेट सोना चाहता है, लेट तक। अब अगर किसी ने इसको जगा दिया तो फिर इसका दुश्मन है वो। तो यूं समझिए कि नेक्सगोमिका आउट ऑफ ट्यून रहने वालों की दवा है, इनका पेट खराब हो जाएगा तभी आउट ऑफ ट्यून रहेंगे, अच्छे से सो नहीं पाए तभी आउट ऑफ ट्यून रहेंगे, बाहर कुछ अपने के लिए अपने जैसा कंफर्टेबल जैसे नहीं जैसे सोचा ऐसा नहीं हो पा रहा तो भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, इरिटेबल रहेंगे, यानी यूं समझिए कि एक आदमी खुद से भी इरिटेबल रहता है। ऐसे ढेर सारे लोग मिलते हैं, उनको नेक्सगोमिका से आराम मिलता है। किसी में ये जो डिग्री है इरिटेबल होने की, जेलस होने की कम होती है, किसी में इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो उसके बेसिस पर नेक्सगोमिका दें, बेहतर रिस्पांस आएगा। और इसको लेने का तरीका क्या है कि रात को सोते समय लें, जब आदमी मेंटल पीस में होता है तो नेक्सगोमिका बेहतर रिस्पांस करती है, तो रात को सोने से 10-20 मिनट पहले ले लें 4 गुण जीप पर। तो इस नेक्सगोमिका से हेमराइडल टेंडेंसी, जो जेलस नेचर है, इसके अलावा और अनगिनत सिम्टम्स हैं, सब ठीक होंगे। काम की बात दूसरों को भी बताएं, वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।